हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल evidyarthi.in। मेरा नाम वेदिता है और आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ नाउंस। हम नाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पता होगा कि नाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक फर्स्ट पार्ट है नाउन, राइट? तो चलिए हम पढ़ते हैं नाउंस के बारे में। व्हाट इज अ नाउन? व्हाट इज अ नाउन फ्रेंड्स? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। It is a naming word. It can be the name of a person, place or thing. It can be a name of a person, place or thing. So, आपको पता होगा नाउन का डेफिनेशन यही होता है। तो चलिए हम अब आगे मूव ऑन करते हैं कि नाउन का जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल्स। A noun is the name of a place, of a person. So, person में हम किन लोगों को categorize करेंगे friends? आइए देखते हैं। Girl, girl is a noun. Next, boy, boy is noun. Then we have is dentist, dentist भी हमारा noun है. Then, clown, clown कौन होता है आपको पता होगा, जो बहुत ही funny clothes पहनता है, फनी लुक्स के साथ वो एक इंसान होता है, उसको हम क्लाउन कहते हैं, क्लाउन। देन वी हैव इज डांसर। तो ये सारे कैटेगराइज लोग जो हैं, बॉय, गर्ल, डांसर, क्लाउन एंड डेंटिस्ट, ये सारे हमारे इज अ नेम ऑफ पर्सन, नाउन ही कंसीडर किए जाएंगे पर्सन की कैटेगरी में। नेक्स्ट देखते हैं हमारे कि नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस। मैंने आपको बताया था नेम ऑफ अ प्लेस होता है, तो देखते हैं प्लेसेस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं गैराज। गैराज ये कौन सी जगह है जहां पे हम अपनी गाड़ियों को ठीक करने के लिए भेजते हैं, गैराज में। दिस इज अ प्लेस, राइट? देन वी हैव अ जू। जू में भी आप अपने बच्चों को लेके जाते हो, अपनी फैमिली के साथ जाते हो, तो जू इज ऑल्सो अ प्लेस। देन वी हैव इज क्लासरूम। क्लासरूम इज ऑल्सो अ प्लेस, आपको पता ही होगा क्लासरूम। एंड देन इट इज सी साइड, सी के साइड पे, सी साइड। सो इट इज कैटेगराइज्ड विद द नेम ऑफ प्लेस। ये सारी प्लेसेस हैं तो इनको भी हम नाम कहेंगे। आगे देखते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, थिंग्स। आपको पता ही है नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, तो देखते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स हमने ली हैं। फर्स्ट इज एरोप्लेन, एरोप्लेन। तो इसमें हमने आज क्या लिखा है, एयरप्लेन। एरोप्लेन को हम एयरप्लेन भी कहते हैं, आपको पता होगा ये एयरप्लेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल, गोल्फ खेलते समय हम बॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप गोल्फ बॉल बोलते हैं, दैट इज गोल्फ बॉल। नेक्स्ट इज बुक। देन हमारे पास क्या है, फ्लावर, फ्लावर। एंड देन स्ट्रेथोस्कोप, स्ट्रेथोस्कोप डॉक्टर्स के हाथ में आपने देखा ही होगा। ये सारी किस चीजों में डिवाइडेड है फ्रेंड्स, थिंग्स में, थिंग्स हैं ये सारी चीजें हैं, तो इट इज ऑल्सो नाउन, ये सारे नाउन हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में, तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास। टाइप्स ऑफ नाउन्स में हमारे पास पांच टाइप्स के नाउन हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन। ये पांच तरह के नाउन्स हैं फ्रेंड्स जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले हम कौन से नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या डेफिनेशंस एंड क्या क्या एग्जांपल्स हमने यूज करी हुई। ओके, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एनी नेम, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो देखते हैं एग्जांपल्स। माय बुक इज ऑन द टेबल। बुक है, कोई भी हो सकती है, ऑन द टेबल, तो बुक इज योर कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कमिका वेंट टू स्कूल अर्ली दिस मॉर्निंग। वो बहुत जल्दी सुबह सुबह, इस मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग वो स्कूल जा चुकी थी। स्कूल, कौन से स्कूल गई हमें नहीं पता, तो स्कूल यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन। आइए आगे देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन का क्या डेफिनेशन है, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एक पर्टिकुलर नेम होना। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है, हमने बुक के बारे में बात करा था, माय बुक इज ऑन द टेबल, तो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, माय बुक
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑन द टेबल. बुक के बारे में बात करें, कौन सी बुक है ये हमारे पास, नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत ही फेमस बुक है. तो हमने बुक का नाम बता दिया, राइट, थिंग है बुक, तो नाम बता दिया, तो वो नाम क्या बन गया हमारा, प्रॉपर नाउन. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम. तमिका गोज टू डीएवी स्कूल. तमिका गोज टू डीएवी स्कूल. वो स्कूल गई थी सुबह बहुत जल्दी जल्दी, अर्ली मॉर्निंग वो चली गई थी, तो हमने स्कूल का नाम बता दिया. कौन से स्कूल गई थी, डीएवी स्कूल. सो डीएवी स्कूल इज योर प्रॉपर नाउन. ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ऑफ नाउन है वो. तो देखते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स और क्वालिटीज. ठीक है, और ये वो फीलिंग्स हैं, क्वालिटीज हैं, आइडियाज हैं, जो कि दैट दे कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड और सीन. इन फीलिंग्स को हम क्या, आप बताइए, फीलिंग्स को, क्वालिटीज को और आइडियाज को क्या हम देख सकते हैं या हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ये सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं. फीलिंग्स हैं, इमोशंस, क्वालिटीज, हम उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं. देख लेते हैं कौन सी फीलिंग्स और इमोशंस की बात कर रहे हैं हम. एग्जाम्पल्स देखते हैं. लव, प्यार. प्यार हमें दिखाई देता है जब कोई इंसान प्यार इजहार करता है, बट कोई अंदर से तो हमें नहीं पता ना उस इंसान के अंदर क्या फीलिंग है, दैट इज लव. देन हेट्रेड, तो ये इंसान आपको पसंद नहीं करता, उसको हेट्रेड हो रखी आपकी तरफ, आपको नहीं मालूम होता जब तक वो दिखाए ना, गुस्सा ना दिखाए अपना. एंगर, गुस्सा होना. डिजायर, मेरे अंदर क्या डिजायर है वो आपको भी नहीं पता, ना ही आप देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, तो डिजायर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आइडिया, सॉरो, उदास हूं मैं, आज का दिन मेरा बहुत ही उदास भरा रहा, आपको नहीं पता होगा, ना ही आप देख सकते हो, ना ही टच, इवन मैं भी टच नहीं कर सकती, बट मैं महसूस कर सकती हूँ. आइए अब हम सेंटेंस लेते हैं, एक एग्जांपल लेके. तो राधा वेप्ट इन सॉरो. वेप्ट, आपको पता होगा वेप्ट क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी है, वीप, डब्ल्यू डबल ई पी, डब्ल्यू डबल ई पी मतलब रोना, वीप, क्राई. ठीक है, तो राधा वेप्ट इन क्राई इन सॉरो ओवर द लॉस ऑफ हर डॉग. अपने डॉग के लॉस होने पर, मरने पर उसने रो कर अपना सौरो इजहार करा. सौरो में वो रो रही थी, उदास थी. ठीक है, हमें वो दिख सकता था, क्यों, क्योंकि वो रो रही थी, बट अंदर उसके अंदर कितना दुख था ये हमें नहीं पता, ना ही हम देख सकते थे, ना ही वो हम टच कर सकते थे. इसलिए सौरो जहां पर है ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आइए आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स की तरफ. कलेक्टिव नाउन्स बहुत ही कॉमन नाउन है, आपको पता है, आपने बहुत बार सुना होगा ये नेम. कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज. जब बहुत सारे लोग, पीपल, प्लेसेस होते हैं, आइडियाज होते हैं, या हमारे पास चीजें होती हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट बोलने के बजाय हम एक ही नेम यूज कर लेते हैं फ्रेंड्स. तो देखते हैं वो कैसे है. दे आर कंसिडर्ड एज वन यूनिट, सो दे आर सिंगुलर, वो सिंगुलर ही प्रूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं. द क्राउड साउंड्स लाइक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. क्राउड लोगों के लिए यूज करा है, वो किस तरह साउंड करा है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्राउड जो यहां पर है वो क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन. देन हमारे पास है स्टाफ. द स्टाफ इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स. जब वहां का स्टाफ था, लोग काम करते हैं स्टाफ, तो बहुत सारे लोगों के लिए हमने यूज कर लिया स्टाफ वर्ड, तो दैट इज कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग इन लाइन. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ग्रुप था, वो लाइन में खड़ा हुआ था, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इट इज कलेक्टिव नाउन. ठीक है फ्रेंड्स, समझे आप. आगे मूव करते हैं हम. कलेक्टिव नाउन के बाद आपको शायद पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक ही नाउन बचा है, वो क्या है, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन, तो देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है. मटेरियल नाउन, दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस. मटेरियल्स और सब्सटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं मटेरियल नाउन, उसके नाम से ही आ जाता है. तो देखते हैं हमारे पास क्या है एग्जाम्पल्स में. ग्लास, गोल्ड,
glass, rice, water, pulses, salt, etc. Many more. तो देखिए हमारे पास जो material noun होता है वो होता है uncountable. हम material noun की category uncountable nouns में भी लेते हैं. वो countable नहीं होते हैं और materials होते हैं, substances होते हैं, that means जिनको हम नाप तोल कर सकते हैं और हम उनकी counting नहीं कर सकते. ठीक है, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, measurement कर सकते हैं, but इन nouns की हम काउंटिंग नहीं कर सकते. देखिए आप कर सकते हैं गोल्ड, गोल्ड की काउंटिंग तो नहीं कर सकते आप, तोल जरूर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि कितना गोल्ड हमारे पास. ग्लास का भी सेम, ग्लास, ग्लास आप पानी पीने वाला ग्लास मत समझ लेना फ्रेंड्स, ग्लास इज मिरर, ये ग्लास है हमारा, राइट. तो ग्लास, देन इज राइस, चावल, वाटर, पल्सेस, सॉल्ट. तो इन सब चीजों को हम तोल सकते हैं बट हम इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते. ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. और आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ. आई होप आपको समझ आ गया हो, हमारे टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड नाउन की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई हो. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखेगा एंड मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगी एक नया लेसन लेके आपके सामने फिर से खड़ी हो जाऊंगी. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय.